गौतम साहब के शूज़ लेने के लिए हम आए हैं किंडर गार्डन के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। उन्होंने सारा बंद किया हुआ, कुछ चेंज करने लगे, खाली है बिल्कुल। नॉर्मल शूज़ है। इसका साइज क्या है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। छुट्टियां चल रही हैं, बस आज समझ लें वर्किंग डेज़ के हिसाब से लास्ट डे, सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली ऑफ ही होता है। तो जितने दिन इमरान घर होते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि बस इनको ना लेके निकलो कहीं पे भी, क्योंकि मौका भाई जाने नहीं ना देना चाहिए, मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि मैंने भी उठाया हुआ है। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं साइकिल लेने गई थी अपने लिए, तो साइकिल मैंने क्यों नहीं ली है वो अब इमरान साहब भी बताएंगे कि मुझे क्यों नहीं इन्होंने साइकिल लेके दी। साइकिल इसीलिए नहीं लेके दी कि अगर तुमने साइकिल ले लेनी तो सारी आवाम ने पीछे रह जाना था। क्यों बोला? जैसे चला रही थी, ये तो हमारे पे बहुत बड़ा केस बन जाना था। शुक्र है अल्लाह का कि हमने नहीं ली है, शुक्र है। हाँ, रोजाना कोई ना कोई हमारे घर केस बना होना था, कभी किसी साइकिल वाले को नीचे दे दिया है तो कभी खुद किसी साइकिल वाले के नीचे आ गई है। रोज ही हमने हॉस्पिटलों को अल्लाह रहम करे चक्कर लगाने थे, शुक्र है बहुत अच्छा हुआ है। वैसे मुझे खुद नहीं समझ आई कि मैं ना साइकिल चलाती थी, तब मेरे ख्याल से मैं 8th 9th की या 7th की स्टूडेंट होती थी ना, तो तब 40 साल पुरानी बात है ये। आपने तो मेरी सारी एज ही रिवील कर दी है पकड़ के। 40 साल पुरानी बात है तब मैं। अच्छा, इतनी भी अब मैं पुरानी नहीं हूँ। अच्छा, समझ आई है ना। अच्छा। तो बहरहाल ना, ये बस ऐसी थोड़ी सी इनकी बातें हैं, बाकी ना तब तो मैं ठीक चलाती थी, लेकिन अब नहीं, मुझे पता क्या हुआ है ना कि मैं साइकिल चलानी भूल गई, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, जो सही बात है। 3-4 साल प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहे जी मुझे फिर मजीद 3-4 साल चाहिए। इतने बूढ़े हो जाए, 60 साल हो गए थे अल्लाह चाहते। हम निकले हुए आदम की चीज़ों के लिए स्पेशली, क्योंकि आदम के किंडर गार्डन में ऑब्वियसली मतलब उसका होल्ड स्टार्ट हो चुका है, तो जिस वजह से कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए होता है। और इसके जो है ना वहाँ पे बिस्तरे हमने पूरे करने हैं अब सारे। और उनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, फिर उनसे साइज़ वगैरह लिए हैं, मैट्रेस का कवर और कुल्ट कवर, कुछ इस तरह पिलो का कवर, तो फिर वो चल के देखते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। समर की सैंडल्स देखें कितने स्मार्ट लग रहे हैं सारे, इनके कलर्स जो है ना वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। ये जरा बताना कौन से वाले हैं? ये वाले हाँ, मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर जी शूज़ ट्राई होने लगे हैं, मैंने बोला शूज़ ट्राई कर, चेक पहन, मुझे बता रहा है बल्कि चलें चेक करें, ट्राई करें। हाँ बेबी, ये देखें जी, वाह। अच्छा, खड़े होके तो दिखाएं ना, खड़े होके दिखाएं। ये देखें जी, ये अपनी चॉइस और अपना सारा कुछ खुद ही जो है ना ट्राई भी खुद से हो रहे हैं। अब हमारी टाइमिंग होती होती थी ना, हमें तो कोई मुंह नहीं था लगाता होता कि मम्मी अबू ने खुद ही जाना और हम छोटे थे चीज़ें लेके आ जानी। तो आजकल तो जो है बच्चे भाई खुद ही अपने लिए सारा कुछ कर लेते हैं। ये अच्छे हैं ना, हाँ, फीला के हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। करते हैं आदम के लिए हम पिंक शूज ले लेते हैं। आदम ये ठीक है पिंक? नहीं आई, ये बहुत जटिया, ये लड़कियों के लिए होते हैं। हम ढूंढ रहे हैं जी, बल्कि मैं ढूंढ रही हूँ वली, सॉरी इमरान को। हेलो, आदम आज अपनी चीजें इकट्ठी करते हुए इस टाइम पे हैं जी, हम बेबी वन पे और आदम की चीज़ें इकट्ठी करते फिर रहे हैं आज हम जगह जगह से। और चीज़ें भी इतनी कुछ मतलब डिफरेंट सी होती है ना किंडर गार्डन के लिए, कि आपको बड़ी डिफरेंट जगहों से ही मिल रही होती है, इजी नहीं मिलती है। ग्रॉसरी के लिए मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, और जो चीज़ें इकट्ठी करनी है वो भी करते हैं साथ साथ। क्या लेना था, एक तो मैं भूल भी जाती हूँ ना, ये भी चक्कर है मेरा। अच्छा जी, ग्लास क्लीनर चाहिए सबसे पहले, ये पकड़ती हूँ, और टॉयलेट का क्लीनर चाहिए मुझे, ये भी लेते हैं, और साथ में क्या था,
वार्डन के लिए, वो कहाँ पे है? ये मिल गया, ये भी लेते हैं। ये रही जी हमारी ग्रॉसरी, स्टार्ट हो चुकी हुई है। जब आप लोग ऐसे की कोई चीज़ लें तो ज़रूर पढ़ के लिया करेंगे, मिल्की ब्रेड वगैरह इधर उधर के जो कुछ भी होता है, तकरीबन इसमें अल्कोहल होती है, क्योंकि हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए ना। मैं एक स्टोर से तो नहीं, हमेशा से दो स्टोर से ग्रॉसरी करती हूँ, वो मतलब जाना तो बड़ी जगहों पर पड़ जाता है, लेकिन जो प्रॉपर रूटीन ये सुपर मार्केट्स हैं इनमें से मैं दो जगहों से अपने घर की ग्रॉसरी करती हूँ। बाकी एशियन स्टोर वगैरह वो तो चलता ही रहता है, तो ये है कि बस यहाँ से भी कुछ चीज़ें इकट्ठी करेंगे और बस निकलते हैं फिर। आदम के फ्लेवर भी जौन से है ना कुछ, हाँ ये स्ट्रॉबेरी वाला पसंद है फ्लेवर। ये देखें जी मामा और उनका बेबी जो है ना, हमारा बेबी मेरे साथ साथ चल रहा है। कॉपी कर रहे हो ना मुझे? ये देख लें अपनी मामा को कॉपी कर रहा है। मेरा स्टेमिना इस टाइम फुल टाइम लूज़ हो चुका है और मैं इनका वेट कर रही हूँ खड़ी होके। घर पे हम आ चुके हैं जी और अब ये सारा कुछ समेटते हैं और साथ में इफ्तारी की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम रह गया हुआ है और आज इफ्तारी भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनानी है, डायरेक्ट खाना ही खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह।